ईंधन की कमी से बंद हुआ न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर विमान ईंधन की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन में विस्फोट के बाद सोमवार को ऑकलैंड में हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। बीबीसी के मुताबिक इस क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से ही ऑकलैंड हवाई अड्डे को जेट ईंधन की आपूर्ति की जाती थी। इस पाइपलाइन के संचालक रिफाइनरी न्यूजीलैंड ने कहा कि पाइपलाइन को ठीक करने के लिए टीमें 2400 घंटे काम में जुटी हुई हैं। इस पाइपलाइन में 14 सितंबर को विस्फोट हुआ था। विमान सेवाएं रद्द होने से 2000 यात्री प्रभावित। बयान के मुताबिक इस पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही है और 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच पाइपलाइन इससे दोबारा आपूर्ति शुरू की जा सकती है। ऑकलैंड हवाई अड्डे के मुताबिक विमानों में इस्तेमाल ईंधन की आपूर्ति और इसका परिवहन तेल कंपनियां करती हैं, लेकिन इसकी आपूर्ति घटा दी गई है। बीबीसी ने एयर न्यूजीलैंड के हवाले से बताया कि हवाई अड्डे पर ईंधन की आपूर्ति सामान्य क्षमता से 30% घट गई है। विमानन कंपनी का कहना है कि सोमवार को विमान सेवाएं रद्द होने से लगभग 2000 यात्री प्रभावित हुए हैं।